हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो लेसन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 10 इंग्लिश वर्ड्स जिनकी प्रोनंसिएशन में हम अक्सर गलती करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे वर्ड को ज़्यादातर लोग अस्थमा बोलते हैं, जो कि गलत है। इसकी सही प्रोनंसिएशन होती है एस्मा। क्या होती है? एस्मा। ये एक तरह का रोग होता है जिसमें मरीज को सांस लेने में तकलीफ होती है। बफलो, बफलो मीन्स भैंस। डेंगी, डेंगी एक तरह का बुखार जिसमें जोड़ों में बहुत तेज दर्द होता है। कई बार इस बुखार से लोगों की जान भी चली जाती है। चोक, चोक यानी दम घुटना या दम घोटना। इसका दूसरा मतलब होता है रास्ते या किसी जगह को कुछ भरकर बंद कर देना, जिससे कि कोई दूसरा वहां से ना निकल सके। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे वर्ड को बहुत से लोग कुकम्बर बोलते हैं, जो कि गलत प्रोनंसिएशन है। इसकी करेक्ट प्रोनंसिएशन होगी क्यूकम्बर। क्या होगी? क्यूकम्बर। ब्रिटिश प्रोनंसिएशन मार्वलस और अमेरिकन प्रोनंसिएशन मार्वलस। स्ट्यूपेंडस, स्ट्यूपेंडस। शटल, शटल हियर बी इज साइलेंट। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे वर्ड की ब्रिटिश प्रोनंसिएशन होगी वर्म और अमेरिकन प्रोनंसिएशन होगी वर्म। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे वर्ड की ब्रिटिश प्रोनंसिएशन होती है होमोन और अमेरिकन प्रोनंसिएशन होती है हार्मोन। और हम में से ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं? हार्मोन, जो कि गलत होता है।